हे व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने कंप्यूटर में कैसे वीएस कोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम वीएस कोड क्यों इंस्टॉल करना चाहिए। तो जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तब इसमें अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं, जिसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर हमको डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन वीएस कोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर सभी लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। जब हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डाउनलोड कर लेते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं, तब उसमें हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो हमने ये अपना फायरफॉक्स ओपन कर लिया है। अब हम इसके अंदर लिखेंगे वीएस कोड, सजेशन में आ गए, एंटर मार देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले लिंक पे क्लिक कर देंगे। और हमें मैं विंडोज के लिए कर रहा हूँ, तो विंडोज पे क्लिक कर देंगे। तो ये आ गया है। तो मैं सिंपल इस पे सेव फाइल पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा वीएस कोड अब डाउनलोड हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हम कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं अपना फायरफॉक्स बंद कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा वीएस कोड की exe फाइल आ चुकी है, सेटअप फाइल। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं सिंपली एक्सेप्ट द अग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा वीएस कोड अभी, तो यहाँ पे हमारा वीएस कोड अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो अभी हमारा वीएस कोड इंस्टॉल हो चुका है। अब हम सिंपली मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि हम इसमें कैसे कोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इस पे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा और हमारा वीएस कोड फायर हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा वीएस कोड अभी ओपन हो चुका है। हमें जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी हो उस लैंग्वेज के हमें एक्सटेंशन लगा देना है। तो सबसे पहले मुझे सी प्रोग्रामिंग करनी है, तो सिंपल मैं इसके एक्सटेंशन में सी लगा दूंगा और एंटर पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारी फाइल अभी जनरेट हो रही है। तो ये देखिए ये हमारा फाइल अभी जनरेट हो चुका है। अब इसमें हम कोड करेंगे। तो अभी ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तब से अब मैं HTML का दिखाऊंगा। तो मैं इसके अंदर लिख दूंगा, तो ये देखिए ये हमारी फाइल जनरेट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ही लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका यही सब कंप्लीट। तो मैं इसके अंदर सिर्फ लिखूंगा HTML और यहाँ पे ये सजेशन में आ गया है HTML5। सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा तभी ये पूरा AI ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली इसने कंप्लीट कर दिया, हमें ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये पूरा लिख चुका है। हम इसके अंदर एक साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे HTML, CSS, Java, Python, सी लैंग्वेज, C++, बहुत सारी एक साथ कर सकते हैं। हम इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं जिससे हमें प्रोग्रामिंग करने में आसानी होती है। तो अभी मैंने ये इंस्टॉल करा हुआ है, आप भी कर सकते हो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।